हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पार्ट टू ऑफ पॉइंटर्स लेक्चर सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स बाय testyourprep.com। एंड आज की वीडियो में हम कवर करेंगे पॉइंटर्स के आगे का पार्ट, विच इज व्हाट पॉइंटर अरिथमेटिक। हम देखेंगे कि हम पॉइंटर्स के साथ अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो गाइस, हमने पॉइंटर्स के बारे में क्या पढ़ा था? इट इज अ वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, तो पॉइंटर इज बेसिकली एन इंटीजर वैल्यू। क्योंकि अगर हम डिक्लेयर कर देते हैं इंट ए इक्वल्स टू व्हाट 10, राइट, तो हमारी मेमोरी में क्या होगा, हमारी मेमोरी में ये कहीं पे जाके वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा एज 10 एंड इसका कोई पर्टिकुलर एड्रेस होगा। तो इसका जो एड्रेस है वो क्या है हमारे पास, वो भी हमारे पास इंटीजर है ना, तो इट इज एन इंटीजर वैल्यू पॉइंटिंग टू एन एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। तो अब सिंस इट इज एन इंटीजर वैल्यू, so we can perform the basic mathematics calculations and all the calculations that we can do with a simple integer value. Alright, since we have an integer value as a pointer, we can perform all types of arithmetic operations. So first we'll see how to increment a pointer and what happens when we increment a pointer. Okay, क्या होता है जब हम एक pointer को increment करते हैं? तो फॉर एग्जाम्पल गाइज, हम अगर एक वेरिएबल डिक्लेयर करें a इक्वल्स टू 10 एंड मैं लिखूं a प्लस प्लस, तो इसका क्या मतलब होगा, a विल बिकम इक्वल्स टू 11, करेक्ट। बट इन केस ऑफ पॉइंटर्स दिस इज नॉट द केस। इन केस ऑफ पॉइंटर्स अगर हम डिक्लेयर करें int star ip, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू व्हाट 1000, हम मान लेते हैं कि हमारी मेमोरी के अंदर जहां पर भी हमारा ip पड़ा है, उसका एड्रेस कितना है, उसका एड्रेस है 100 एंड इसका नाम क्या है, इसका नाम है आईपी। ओके, तो अब क्या होगा अगर हम यही सेम चीज यहां पे लिखें आईपी प्लस प्लस, तो इसका आंसर 1001 होगा, इसका आंसर 1001 होगा या फिर 1004 होगा। तो इसका आंसर होगा 1004, बिकॉज हमारे पास इंटीजर वेरिएबल जो है वो 2 bytes स्टोर करता है, ठीक है, तो एड्रेस को प्लस करने से वो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा। आईपी जो है, जो करेंटली 100 को पॉइंट कर रहा था, प्लस प्लस करने की वजह से वो पॉइंट करेगा अब नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन ऑफ द इंटीजर, विच इज व्हाट 1004, तो यू विल सी एंड pointer having an address as 1000 when incremented will point to the next integer with address 1004. Similarly, अगर हमारे पास एक pointer है character type का star cp, character type का है, ठीक है, and हम assume करते हैं कि cp में value क्या पड़ी है हमारे पास, value पड़ी है 1000. So doing cp++ will point to 1001, बिल्कुल सही, क्यों, क्योंकि cp holds 1 byte, because char holds 1 byte, इसीलिए प्लस प्लस करने की वजह से वो अपने नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में पॉइंट करेगा एट 100। तो अब आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि ऐसा करने से क्या वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास मेमोरी में मेरा पॉइंटर पड़ा था एट लोकेशन 100, ठीक है, ये मेरा आईपी था, एंड मैं अपनी मेमोरी लोकेशन को एक्सटेंड कर दूं और यहां पर फॉर एग्जांपल मेरे पास वैल्यू थी 5। अब अगर मैंने आईपी प्लस प्लस किया तो मैंने कहा कि ये पॉइंट किस पे करेगा, 1004 वाली वैल्यू पे, जिसका एड्रेस 1004 होगा उस पर जो है हमारा आईपी पॉइंट करेगा, एंड फॉर एग्जांपल यहां पर वैल्यू थी 10। तो गाइस, इस केस में आईपी को इंक्रीमेंट करने से वो नए मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा, बट इस वैल्यू को कुछ नहीं होगा, ये वैल्यू इंटैक्ट रहती है, ठीक है। तो
तो यानी कि IP++ करके अगर हम प्रिंट करवाते हैं इस पॉइंटर की वैल्यू, अगर हम प्रिंट करवाते हैं इस पॉइंटर की वैल्यू तो आंसर आएगा 10, बिकॉज अब वो इधर ना पॉइंट करके इधर पॉइंट कर रहा है, इसीलिए वो इस मेमोरी लोकेशन पे जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको पॉइंट कर, उसको प्रिंट करेगा, ना कि अपनी ओरिजिनल वैल्यू को। सो दिस इज हाउ वी इंक्रीमेंट अ पॉइंटर। इस टॉपिक को समझने के लिए गाइस लेट्स स्टडी अ सिंपल कोड। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिखा है, ओके, कॉन्स्टेंट इंट मैक्स, दिस इज नोन एज व्हाट, ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, तो मैं बेसिकली आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ग्लोबल वेरिएबल होता क्या है, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा है। ऑलराइट, तो कॉन्स्टेंट इज व्हाट, व्हेन यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू। ठीक है, हम इस प्रोग्राम के अंदर मैक्स की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अगर मैंने इसको स्कोप के बाहर लिखा है, आप जानते हो ना मैंने स्कोप की बात की थी, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड स्कोप। तो अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू लेता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे आई डिक्लेयर किया है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई फंक्शन क्रिएट कर दूं एक्स वाई जेड नाम से, वर्ड टाइप का एक्स वाई जेड। ठीक है, तो उसके अंदर मैं क्या इस आई को यूज कर सकता हूँ? मैं इस आई को यूज नहीं कर सकता, बिकॉज ये कहाँ डिफाइंड है, इस स्कोप के अंदर। तो हम इस आई को इस पूरे स्कोप के अंदर ही कर सकते हैं यूज। ऑलराइट, और अगर आपको एक एग्जाम्पल दूं, तो अगर मैं यहाँ पर इंट सम डिक्लेयर कर दूं इस फॉर के अंदर, इस फॉर लूप के अंदर, तो क्या मैं यहाँ पर प्रिंट सम कर सकता हूँ? मैं यहाँ पर प्रिंट सम नहीं कर सकता, बिकॉज ये सम जो है वो इस स्कोप के अंदर डिफाइंड है, वो इसी स्कोप के लिए काम करेगा। तो इसलिए मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, इंट मैक्स इक्वल्स टू 3, राइट। अब मैंने एक एरे बनाया, ठीक है, वेर वेरिएबल्स का एरे, 10, 120 200 मैंने उसमें स्टोर किया। ठीक है, साइज कितना है, 3। मैंने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, एक है मेरा इंटीजर आई और एक है इंटीजर पॉइंटर पीटीआर। पीटीआर को मैंने दिया वीएआर के बराबर। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, पीटीआर पॉइंट्स टू द बेस एड्रेस ऑफ एरे। तो जो भी एरे का हमारा पहला लोकेशन है, पीटीआर वहां पे पॉइंट करता है। ठीक है, अब फॉर आई इक्वल्स टू 0 लेस देन मैक्स विच इज व्हाट, 3 आई प्लस प्लस, मैंने प्रिंट किया एक तो एड्रेस आई एंड पीटीआर, एंड सेकंड मैंने प्रिंट किया वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो सबसे पहले आप देखना गाइस, पहले प्रिंट होगा उस ith लोकेशन पे पॉइंटर क्या एड्रेस, एंड देन प्रिंट होगी उसकी वैल्यू। तो रन करते हैं इसको। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारे पास एड्रेस ऑफ वेरिएबल 0 इज व्हाट, 00, 62FE00, वैल्यू इज 10, करेक्ट है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, एड्रेस ऑफ वेरिएबल 1 इज व्हाट, 62FE004। ध्यान से देखो गाइज, यहाँ पर हमारा पॉइंटर जो है अब वो नेक्स्ट एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, विच इज 04, राइट। एंड हमारी इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है हमारी 100, बिल्कुल ठीक बात। नेक्स्ट हमारा वो पॉइंट कर रहा है 008 पे, एंड द वैल्यू इज 200, राइट। और ऐसा हुआ क्यों गाइस, क्यों हुआ, क्योंकि हम यहाँ पर पॉइंटर की लोकेशन को मूव कर रहे हैं विद अ प्लस प्लस। तो पॉइंटर जब पहले 00 पे है, नेक्स्ट वो 04 पे किया, क्योंकि हमने पॉइंटर को कर दिया है प्लस प्लस, एंड उसी के साथ हमने स्टार पॉइंटर किया। तो सबसे पहले हमारी वैल्यू 10 प्रिंट हुई थी, इस बार हमारी वैल्यू 100 प्रिंट हुई, यानी कि नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे जो वैल्यू है वो प्रिंट हुई, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड द कोड। द सेम केस इज फॉर डिक्रीमेंटिंग द पॉइंटर, द सेम केस इज फॉर डिक्रीमेंटिंग द पॉइंटर। तो डिक्रीमेंट में क्या होगा, डिक्रीमेंट में वो एक वैल्यू पीछे चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक पॉइंटर है ptr जिसमें 1000 है, जिसका मेमोरी लोकेशन की वैल्यू कितनी है 1000, एर मैं उसको डिक्रीमेंट कर दूं विद अ माइनस माइनस, डिक्रीमेंट कर दूं विद अ माइनस माइनस,
तो वो किसको पॉइंट करेगा, अपनी प्रीवियस मेमोरी लोकेशन को, विच इज व्हाट 996, करेक्ट, विच इज व्हाट 996, प्रीटी सिंपल। तो गाइज यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा कंसेप्ट आता है, वो ये है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक एरे है ऑफ साइज से 3 एंड उसको हमने इनिशियलाइज किया एज 1 2 3, ओके, ये हमारे पास एरे है। अगर मैं एक पॉइंटर बनाता हूँ स्टार etr इक्वल्स टू, और मैं प्रोवाइड कर देता हूँ यहाँ पर सिंपली arr, ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये जो पॉइंटर है ये हमारे एरे के बेस एड्रेस को पॉइंट करेगा, एरे के बेस एड्रेस को। तो फॉर एग्जांपल ये हमारी मेमोरी लोकेशन है, यहाँ पर हमारा एरे पड़ा है, ठीक है, ऑफ 3 साइज, तो ये जो पॉइंटर है, ये जो पॉइंटर है ये प्रिंट करेगा बेस एड्रेस को, ठीक है, बेस एड्रेस को ये पॉइंट करेगा। बट व्हाट इफ आई वांट दिस पॉइंटर टू पॉइंट हियर एड्रेस ऑफ दिस एट द लास्ट एलिमेंट, तो अब मैं ये स्टेटमेंट नहीं लिख सकता, ठीक है, ये स्टेटमेंट मेरी गलत होगी। इस केस में मुझे लिखना पड़ेगा ptr इक्वल्स टू व्हाट ampersand, बिकॉज वी हैव टू पॉइंट द एड्रेस। तो जैसे हम लास्ट एग्जांपल्स में, लास्ट लेक्चर में कर रहे थे, वैसे ही मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा ampersand arr, और हमारा साइज फॉर एग्जांपल इज साइज -1 व्हिच इज द लास्ट एलिमेंट। तो ampersand मींस द एड्रेस ऑफ व्हाट, लास्ट एलिमेंट, तो पॉइंटर हमारा प्रिंट करेगा यहाँ पे। बट अगर हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं दैट बाय डिफॉल्ट मींस कि पॉइंटर विल पॉइंट टू द बेस एड्रेस, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होगा वहां पे, सो दिस इज अ कंसेप्शन। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है गाइस, पॉइंटर कंपैरिजन। क्या टॉपिक है हमारे पास, पॉइंटर कंपैरिजन। पॉइंटर कंपैरिजन क्या होता है, जैसे हम इंटीजर्स को कंपैरिजन ऑपरेटर्स के साथ, रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ कंपेयर करते हैं, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, ये हमने कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़े थे, राइट, वैसे ही हम पॉइंटर्स को भी इन रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक स्टेटमेंट लिखें कि ये है हमारा स्टार ptr, राइट, ptr को मैंने क्या पॉइंट करा दिया, अपना arr, तो ये बेस एड्रेस को पॉइंट करेगा। अब मैं बोलता हूं कि मुझे हमारे एरे की जो वैल्यूज है उसको पॉइंटर के थ्रू प्रिंट कराना है, उसको पॉइंटर के थ्रू प्रिंट कराना है, तो मेरे पास ये वैल्यूज है 1 2 एंड 3, इस समय पॉइंटर कहां प्रिंट कर पॉइंट कर रहा है, हमारा पॉइंटर पॉइंट कर रहा है यहां पर, ठीक है, तो मैं क्या कंडीशन डालूंगा, मैं कंडीशन डालूंगा व्हाइल, एक व्हाइल लूप लगा देता हूं, व्हाइल ptr इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, लेस देन इक्वल टू ampersand arr of size -1 which is 2, अगर हमारा साइज 3 है तो 2 तक पॉइंट करेगा वो, है ना, 2 तक ही चलेगा, लास्ट एलिमेंट हमारा arr of 2 पे होगा ना, arr of 2 पे प्रेजेंट होगा 3, राइट, तो ऐसा रहता है कि पॉइंटर इनिशियली यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, मैंने कंडीशन लगाई लेस देन इक्वल टू, ठीक है, तो इनिशियली पॉइंटर की वैल्यू हम मान के चलते हैं 0 0 है, राइट, और वहां पर वैल्यू क्या है 1, ठीक है, ये हमारा पहला वो है केस। नेक्स्ट हमारे पास जो लोकेशन आएगी पॉइंटर को, जब हम यहाँ पे ptr++ करेंगे तो जो नेक्स्ट हमारी पॉइंटर की लोकेशन होगी दैट विल बी 0 4, एंड वहां पे वैल्यू प्रेजेंट होगी 2, राइट, और हमारा जो लास्ट एलिमेंट है उसकी लोकेशन होगी 0 8, वहां पर हमारा 3 प्रेजेंट है, 08 एंड वहां पर हमारा 3 प्रेजेंट है, तो जो पॉइंटर है इनिशियली इट इज 00 विच इज लेस देन 08, फिर इट इज 04 विच इज स्टिल लेस देन 08, तो कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, लास्ट केस में द पॉइंटर इज 08 विच इज इक्वल्स टू 08, अगेन कंडीशन ट्रू, तो ये हमारी कंडीशंस ट्रू रही। तो इस तरह हमने एरे के एड्रेस को, एक पर्टिकुलर वैल्यू के एड्रेस को कंपेयर किसके साथ किया, पॉइंटर के साथ, सो दिस इज व्हाट इज पॉइंटर कंपैरिजन। लेट्स सी अ क्विक कोड रिगार्डिंग दिस टॉपिक। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर मेरे पास एक एरे है सेम 10 100 एंड 200, यहाँ पर मैंने पॉइंटर को पॉइंट करवा दिया टू द बेस एड्रेस ऑफ द एरे
एक इंटीजर वेरिएबल लिया है i विच इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट मैंने क्या किया, पॉइंटर इज लेस देन इक्वल टू m परसेंट वेरिएबल ऑफ मैक्स माइनस 1 विच इज द एड्रेस ऑफ लास्ट एलिमेंट। ये क्या प्रोवाइड करेगा हमें, एड्रेस ऑफ लास्ट एलिमेंट। ठीक है, यहां पर मैंने प्रिंट किया एड्रेस यूजिंग ptr एंड द वैल्यू यूजिंग स्टार ptr, और ptr को मैंने क्या कर दिया है प्लस प्लस, यानी कि वो 000 अगर उसकी इनिशियल वैल्यू है तो नेक्स्ट उसका मेमोरी लोकेशन जिस पे वो पॉइंट करेगा दैट विल बी 004, करेक्ट। एंड साथ ही मैंने i प्लस प्लस कर दिया है जस्ट टू मूव द इंडेक्स ऑफ द मूव टू द नेक्स्ट इंडेक्स ऑफ द एरे, राइट, क्योंकि हम यहाँ पे कर रहे हैं ना arr ऑफ i, यहाँ पे हम i प्रिंट कर रहे हैं, राइट। सो टू मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट इन द एरे वी हैव डन i प्लस प्लस, एंड टू मूव द नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन we have done what ptr plus plus. So let's check the result for this code. Okay, तो यहाँ पर सबसे पहले 0th element के लिए हमारे पास address is 62FE00 and the value is 10. For the next element the address is 04 and the value is 100. And for the last element the address is 08 and the value is 200. And it worked because ptr which is 08 is equal to the address of last element which is also 08, hence this worked. So that is how we compare a pointer. That's all for today's video guys. हमने आज क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा pointer arithmetic, कि हम जब भी pointer में प्लस प्लस करेंगे या उसे किसी भी वैल्यू से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे इट डज व्हाट, पॉइंट्स टू द नेक्स्ट या प्रीवियस मेमोरी लोकेशन। ठीक है, इट डज नॉट गिव अस द रिजल्ट बट इट पॉइंट्स टू द नेक्स्ट और प्रीवियस मेमोरी लोकेशन। एंड प्रिंटिंग स्टार ptr डज व्हाट, प्रिंट्स the value at the current location, simple, all right. Second हमने पढ़ा क्या, pointer comparison। ठीक है, तो हमने देखा कि हम pointers को simple relational operators जो हम integers and other data types के लिए use करते हैं उनके साथ compare कर सकते हैं with the any value जहां हमने पॉइंटर को पॉइंटर के थ्रू एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कराया था, पॉइंटर के थ्रू एरे के एलिमेंट्स को विच वर हमारे पास 1, 2 एंड 3, राइट। हमने बेस एड्रेस पे उसको पॉइंट कराया विद व्हाट, ptr इक्वल्स टू arr, राइट। एंड उसमें हमने कंडीशन क्या लगाई थी, व्हाइल ptr इज लेस देन इक्वल टू ampersand var of n माइनस 1 विच इज द साइज, एंड हमने इंक्रीमेंट क्या किया था ptr प्लस प्लस टू मूव पॉइंटर टू द नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन। सो दीज वर द टू कॉन्सेप्ट्स दैट वी कवर्ड इन टुडेज वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक वी लर्न अबाउट पॉइंटर्स विद एरे। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये हम तब यूज करते हैं जब हमें एरेज को फंक्शंस के साथ यूज करना पड़ता है, यूज arrays in functions. Arrays in functions, right? तो इस concept को हम mostly तब use करते हैं। तो that's all for the video guys. Thank you so much for watching and stay tuned for more such videos. Do like and share the video and subscribe to the channel Test Your Brain. Thank you guys. Have a good day. Good luck.